और देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि नगर निगम संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति गठित की गई है, जहां प्रवर समिति में 6 सदस्य नामित किए गए हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को यहां सभापति बनाया गया है, वहीं पक्ष विपक्ष के 6 विधायक समिति के सदस्य मनोनीत हुए हैं। तो नगर निगम संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति गठित की गई है, ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, नगर निगम संशोधन विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया? देखिए, आने वाले समय में नैन्सी उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से ही जोड़कर हम इस व्यवस्था को देख सकते हैं। हाल ही में जब उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित गैरसैंड क्षेत्र के भरारीसैंड में जब विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आउट हुआ था, उस वक्त सत्र की सदन की कार्रवाई के दौरान जो नगर निगम संशोधन विधेयक है इसको सदन के पटल पर रखा गया था और सत्ता पक्ष के ही कई विधायकों ने इसमें सवाल खड़े किए थे और ये अनुरोध किया था विधानसभा अध्यक्ष से कि इसके को एक प्रवर समिति को दे दिया जाए और प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही इसको अगले सत्र में पारित किया जाए। एक तो चुनाव में देरी होने की वजह ये भी है, इसके अलावा अभी हाल ही में उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त को की नियुक्ति हुई है, रिटायर्ड IAS अधिकारी की, वो ये पद खाली था। इसके साथ साथ मतदाता सूची जो है वो पूरी तरह से संशोधित नहीं हो पाई और इसके अलावा कई ऐसे और OBC आरक्षण का जो मामला है वो पूरी तरह से उसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। तो आरक्षण को लेकर के प्रवर समिति बनाए जाने की सत्ता पक्ष के विधायकों ने मांग की थी और अब उस वक्त पीठ के मुखिया ने इस बात को कहा था कि इसके लिए प्रवर समिति बनाई जाएगी, प्रवर समिति का गठन कर दिया गया। इसमें पक्ष विपक्ष के 6 विधायकों को सदस्य बनाया गया। प्रवर समिति अपनी कई दौर की बैठकें करेगी और बैठक करने के बाद अपनी रिपोर्ट 1 माह की समय सीमा में विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी और उसके बाद जब अगला सत्र आउट होगा तो उस सत्र में इसको सदन के पटल से पारित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो निकाय के चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाएं हम उस रूप में भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए सोनू।